आज हम आपको बताने जा रहे हैं पैराट्रूपर छत्रपाल सिंह के बारे में। पैराट्रूपर छत्रपाल सिंह राजस्थान के झुंझुनू जिले के छावरी गांव से हैं और उनका जन्म 12 अगस्त 1997 को हुआ था। श्री सुरेश कुमार पाल और श्रीमती शशिकला देवी के पुत्र पैराट्रूपर छत्रपाल सिंह 18 वर्ष की आयु में वर्ष 2015 में सेना में शामिल हुए थे। वे पैराशूट रेजिमेंट के 4 पैरा SF बटालियन के थे, एक कुलीन पैदल सेना रेजिमेंट जो अपने साहसी पैरा कमांडो और कई बोल्ड ऑपरेशन के लिए जानी जाती थी। वर्ष 2020 तक पैराट्रूपर छत्रपाल सिंह ने 5 से अधिक वर्षों की सेवा दी और एक समर्पित और अनुशासित सैनिक के रूप में विकसित हुए। कोरोना आपदा में जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, वहीं भारत में सीमा पर सेना के जवान पाकिस्तान की ओर से भेजे गए आतंकवादियों से भी लड़ रहे थे। 1 अप्रैल 2020 को ड्रोन की निगरानी से उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर समुद्र तल से करीब 8,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित रंगडोरी केरन सेक्टर में खून जमा देने वाली ठंड, बर्फ से ढकी चोटियों के बीच आतंकी घुसपैठ की जानकारी मिली। घुसपैठ कर आए आतंकवादियों को मार गिराने के लिए सेना की 4 पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो दस्ते को जिम्मा दिया गया। इस दस्ते में सूबेदार संजीव कुमार, हवलदार देवेंद्र सिंह, पैराट्रूपर बाल कृष्ण, पैराट्रूपर अमित कुमार और पैराट्रूपर छत्रपाल सिंह शामिल थे। ये दस्ता 4 अप्रैल 2020 की शाम ही जुमगुन पहुंचा और हेलीकॉप्टर से इन जवानों को पहाड़ी पर पहुंचाया गया। 5 घंटे कमर तक जमी बर्फ में चलते हुए 5 अप्रैल की घोर अंधेरे में ये दस्ता 2 पहाड़ियों के बीच आतंकी ठिकाने की तरफ बढ़ रहा था। तभी बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा टूट गया और जवान अमित कुमार और छत्रपाल सिंह सीधे आतंकियों के सामने जा गिरे। अन्य जवान भी बचाव में कूद गए। बर्फबारी और अंधेरे में स्वचालित हथियारों से लैस आतंकियों ने गोलाबारी शुरू कर दी। इस भीषण मुठभेड़ में 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और 5 आतंकवादी मारे गए। कठिन परिस्थितियों की ये लड़ाई किसी भी एंगल से मुठभेड़ न होकर एक मिनी युद्ध था। मारे गए घुसपैठिए किसी भी तरह से सामान्य आतंकवादी नहीं थे। उनके पास से हथियारों का जो जखीरा मिला उससे वे किसी बड़े हमले को अंजाम देते। वे प्रशिक्षित सैन्य कमांडो की तरह ही लैस थे। मारे गए आतंकवादियों से 5 AK-47 राइफल, 5 AK मैगजीन, 6 हथगोले, 6 UGBL ग्रेनेड, 1 गार्मिन GPS, 1 iCam रेडियो सेट, 1 अल्ट्रा रेडियो सेट, 2 मोबाइल फोन, 1 घड़ी, 2 आधार कार्ड, 1 चार्जर, 1 ब्लूटूथ हैंडसेट और राशन आदि बरामद हुआ। वॉरियर कॉमरेड्स भारत माँ के वीर सपूतों को उनके बलिदान के लिए शत शत नमन करता है। जय हिंद, जय जवान, जय।